अनाथो किचन में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाया, सिंपल बिल्कुल इजी तरीके से। आप देखें और इसे फटाफट बनाने की कोशिश करें जैसा मैं बनाती हूँ। खाना बनाना सभी को आता है, मैं ये नहीं कहती कि खाना बनाना नहीं आता है, मगर बनाने का अंदाज़ सबका अलग अलग होता है। नहीं, ये पाया लिया है, इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ। सारे के सारे इसमें ऐड करूंगी। देखें कितना जल्दी, कितनी फास्ट रेसिपी ये बनेगी हमारी। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि खाना जो है फटाफट बने और इजी तरीके से बने, खाना बनाने में कोई भार सा महसूस ना हो। मैंने 5 बड़ी बड़ी पोट मैंने अनियन की ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने रफली चॉप किया बड़ा बड़ा, ये देखें इस तरह से इसमें ये सारे के सारे चले जाएंगे। मैंने तेज़पत्ते लिए हैं 4, वो मैं डाल रही हूँ। एक काली मिर्च है और थोड़े से ज़ीरा है खड़ा, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये दालचीनी की स्टिक है, दालचीनी का स्टिक एक्चुअली अभी है नहीं, इसमें 2-4 और मैं डालूँगी। ये लौंग है और बड़ी इलायची है। ये हरी मिर्च, ये आधी चम्मच मैं लाल मिर्च ले रही हूँ। और ये नमक है, नमक तो हसब ज़ायका डालते हैं, ये तो सबको पता है कि हम हमेशा हर वीडियो में यही बोलते आते हैं कि तेल और नमक और मिर्च हमेशा अपने अकॉर्डिंग, जो जितना खाता है उसी हिसाब से डालें। इसमें 1 कटोरी में तेल डाल रही हूँ। कोई बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं, ऑयली खाना पसंद करते हैं, कोई कम खाते हैं, एज़ यू विश। अब यहाँ देखें मैं अदरक, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 4 चम्मच में अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं ये गार्लिक का पेस्ट 2-4 मैंने ये डाले। टर्मरिक पाउडर बिल्कुल ही कम डाल रही हूँ, बस इतना थोड़ा सा सिर्फ कलर के लिए। मैंने सारे के सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। ये जो मैंने अदरक थोड़ा सा चॉप करके रखा वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और ये गार्निश के लिए, ये हरी धनिया और ये जीरा और हरी मिर्च थोड़ा। और ये जो मैंने हरी धनिया की पत्ती काट कर रखी है, वो डंडी वगैरह उसके पीछे की हिस्सा होती है, इससे टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं, इसको मैं ज़रूर डालती हूँ। और ये नींबू लास्ट में ऐड करूँगी। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये थोड़ा सा चलने में दिक्कत हो जाता है क्योंकि काफ़ी हैवी होता है। चलिए इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। पानी तो अपनी मर्ज़ी से आप मज़े का इसमें दे सकती हैं। अब इसमें और जाएगा, ठीक है। और इसमें अब कुछ करना नहीं है, इसमें बस प्रेशर लगाना है। 4 सीटी तेज़ की, बाकी 2 मीडियम आंच की। और ये गल के आराम से तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी मैं आपको ये दिखाऊंगी। यहाँ पानी मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देखिए इतना पानी मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये अभी ही अच्छा लग रहा है देखने में। और पककर जब ये उतरेगा तो काफ़ी डिलीशियस और यम्मी टेस्टी होगा और इसकी खुशबू सबको परेशान करेगी। चलिए मैं इसको कवर करती हूँ और इसको मैं कवर कर रही हूँ और मिलती हूँ। इसके प्रेशर आने के बाद 4 सीटी फुल की आएगी, 3 धीमे आँच की आएगी। उसके बाद मैं इसको ठंडा होने पर खोल कर देखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। इस देखिए हमारी ये निहारी जो है तैयार हो चुकी है और इसके प्रेशर भी कम ये हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं। मैंने 4 तेज़ सीटी लगाई थी तेज़ आंच की और 4 धीमे आंच की मैंने लगाई। ये देखिए कितने अच्छे ये तैयार हुए हैं। हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत पका है और कितने अच्छे कलर आए हैं। ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और इसमें कितनी झटपट रेसिपी ये बनी, खुद ही सोचें। और कितने जल्दी पकाए और इसे आराम से झटपट खा लें। ये देखिए हमारा पाया बिल्कुल सही तैयार हो गया है, परफेक्ट, और इसमें किसी तरह की कमी नहीं है। और इसे बस अब मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये तैयार हुआ है, बिल्कुल ओवर कुक नहीं हुआ है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, इस तरह से आप बनाने की कोशिश करें और बहुत ही अच्छा आपको जायका देगा। अब इस पर मैं इसको गार्निश कर देती हूँ। मैं थोड़ा सा हरी, ये अदरक, ये हरी मिर्च और ये नींबू। नींबू आप अपने हिसाब से काट कर इसमें खा सकते हैं डालकर। ये देखिए
अब इसे आप तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी किसी के साथ भी चाहें तो सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी और बिल्कुल आसान सिंपल सा तरीका मैं लेकर हमेशा आती हूँ कि आपको खाना बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और झटपट बने, बस ये हमारी। और आप मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।